दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि दोस्तों इन दिनों दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। इनके कोल्ड वॉर के पीछे रीजन इनकी आने वाली फिल्म को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोस्तों मुद्दा इस फिल्म में निभाए जाने वाले दोनों के किरदार है। स्थिति ये हो गई कि सेट पर भी दोनों एक्ट्रेस के बीच में कोई भी बातचीत भी नहीं होती। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा नजर आएगी। खबरों के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा सभी को यह बता रही है कि वह इस फिल्म में बतौर लीडिंग एक्ट्रेस काम कर रही है। बस दोस्तों यही बात परिणीति को नागवार गुजरी। उन्होंने प्रोडक्शन टीम से भी इस बात की शिकायत की थी। दोस्तों कहा जा रहा है कि परिणीति का कहना है कि दोनों की ही भूमिका बराबर है। ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा का ये कहना बिल्कुल गलत है कि वह इसकी मुख्य भूमिका में है। लेकिन दोस्तों सोनाक्षी है कि वह खुद को इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बता रही है। ऐसे में दोस्तों सोनाक्षी और परिणीति के बीच में सेट पर भी बातचीत नहीं हो रही। अब दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी आधारित है 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध पर। इस युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक भुज एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की ओर से की जा रही बमबारी से वहां की एयर स्ट्रिप तबाह हो गई थी। उस समय दोस्तों एयरबोर्ड पर उनके साथ 50 एयरफोर्स और 7 डिफेंस सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे।